من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आपकी दुआओं का तलबगार नूरुल हक कादरी आपसे मुखातब हूँ। क्या आपके इल्म में है कि इमरान खान को जेल के अंदर 18 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और उनको एक अजियत और तकलीफ के माहौल में वहां पर रखा गया है और एक सियासी कैदी होने के नाते उनके जो सहूलियात होने चाहिए वो कोई सहूलत उनको मुयस्सर नहीं है। ऐसे हालात में इमरान खान का जो कानूनी टीम है वकील अपील और दलील के जरिए से इस निजाम को रिलीफ देने के लिए कायल करने की कोशिश कर रही है लेकिन तहाल उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसे हालात में अहलीमान के साथ एक जो बहुत बड़ी ताकत और हथियार और वसीला और जरिया होती है वो कुरान पाक की तिलावत जिक्र तस्बीह दुरूद और दुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत की तरफ से और इमरान खान के अहले खाना की तरफ से और अपनी तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि इमरान खान की बाइज्जत बहिफाजत रिहाई और वापसी के लिए पाक की सूरह यासीन की कसरत से तिलावत करे सुबह और शाम दिन और रात क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान हकीम का दिल वो सूरह यासीन है और एक दूसरी रिवायत में है कि सूरह यासीन को जिस नेक मकसद के लिए पढ़ा जाएगा वो मकसद अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाएगा। हम पाकिस्तानियों से इमरान खान के तमाम चाहने वालों से गुजारिश करता हूं कि सूरह यासीन की और दुरूद शरीफ की कसरत से विर्द करे इमरान खान की बाइज्जत बहिफाजत तक। मेरे इस पैगाम को खुद भी सुने अमल भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया।